भाइयों बहनों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त राजस्थान के बूंदी शहर और बूंदी शहर की बहुत बेहतरीन एक गली मुमताज गली अग्रवालों के नोहरे के सामने बूंदी शहर के अंदर मौजूद हैं और मौका है आज हमारे भतीजे गुड्डू यानी सलीम के स्वस्थ होने की खुशी में ये छोटा सा एक वीडियो बनाया जा रहा है। और इस वीडियो के अंदर इनके जो साडू साहब सवाई माधोपुर से तशरीफ लाए हैं और वो साडू साहब इस वक्त फॉरेन में है, तो मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक साधारण परिवार का इंसान जब फॉरेन में जाता है और वहां से जब लौटता है तो उसकी क्या मेंटेलिटी हो जाती है। मैं आप लोगों को वो मेंटेलिटी दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और अब मैं जल्दी से बहुत जल्दी से मेरा कैमरा उनकी तरफ मुखातिब करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नफीस खान। कहाँ के रहने वाले हो? सवाई माधोपुर के रहने वाले हो। तो आप ने पढ़ाई कहाँ तक करी है? आठवीं पास। आठवीं पास करने के बाद आप क्या काम कर रहे थे? जी मैं फॉरेन गया। नहीं, आठवीं पास करने के बाद फॉरेन थोड़ी चले गए होंगे आप? जी, मैंने कटिंग का काम किया। आपने कटिंग का काम किया, हेयर सैलून का काम किया, और हेयर सैलून के काम के बाद में आप फॉरेन गए। तो ये फॉरेन जाने के लिए आपको किसने मनाया, किसने समझाया, किसने बताया? जी सर, यह मेरे को किसी ने नहीं मनाया। मेरे घर की मजबूरी देख के मेरे को हालात से गुजरना पड़ा है, इसलिए मैं। आपके घर की मजबूरी ने आपको इस सोच से आगे बढ़ाया कि मुझे फॉरेन जाना चाहिए। तो फॉरेन गए हुए कितने साल हुए आपको? जी मेरे को 10 साल। वहाँ पर किस मुल्क में हो? सऊदी के अंदर। सऊदी में हो, क्या नाम है शहर का? शहर का नाम है वादी अल दुआसर। तो वहाँ पर आप कितने साल से हो? जी वहाँ से मैं 10 साल से हूँ। क्या काम कर रहे हो वहाँ? सुपरमार्केट के अंदर हो। सुपरमार्केट में आपका क्या काम है? जी मेरा काम है सामान देना, ग्राहक को अटेंड करना। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर सऊदी अरब के अंदर आदमी जाता है, बड़ी शिद्दत से मेहनत करता है, पैसे या बूंदी इंडिया में भेजता है या किसी भी मुल्क में भेजता है, आपका किस तरह से शुरुआती और अभी का वहाँ गुजारा चल रहा है? देखिए ये होता है, कैमरे की तरफ देखिए। सऊदी होती है, एक आदमी यहाँ से जाता है सऊदी के अंदर, वो इकल्ला जाता है। वहाँ किसी न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई घर के है, कुछ भी नहीं। वो अपने आप से सऊदी के अंदर जाता है। किस तरीके से अटेंड करना है वो उसी के हालात के ऊपर होती है। यह है सऊदी के अंदर कपिल कौन सा मिलता है, अच्छा काम मिलता है, नहीं मिलता है, वो क्या है, अपने नसीब के ऊपर है। चलो, आपने वहां जाकर स्ट्रगल किया, आपने वहां जाकर मेहनत करी, आज आप जिस मुकाम पर हो उस मुकाम के अंदर की बात बताइए कि आपका मन क्या कहता है। जी मन क्या बोला, मन तो यही बोला झारच के लिए वहीं जाना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा। आप फिर दोबारा भी जाओगे? जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके जो घर वाले हैं, आपके जो बीवी है, बच्चे हैं, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया इस काम में? जी बहुत सपोर्ट किया मेरे को, बहुत सपोर्ट किया। आप वहाँ गए हो तो किसको दोगे क्रेडिट? आपकी बीवी को दोगे, आपके दोस्त को दोगे, वालिद को दोगे, भाई को दोगे, किसको दोगे क्रेडिट? वालिद को दोगे। क्या नाम है वालिद साहब का? मोहम्मद सरताज। अच्छा, हमारे हजारों भाइयों को वहाँ का खान पान बताएं आप। खान पान यही है, चावल है, खबसा है, मुर्गी है, रोटी खबूस। चावल है, खबसा है। अच्छा, आदमी की वहाँ जाके जहनीत बदल जाती है क्या? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, बदलती नहीं है, हम खुद को बदलना पड़ता है। मतलब क्या माहौल है वहाँ का, उस माहौल में रहना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, बहुत सारे आदमियों की वहाँ जाने के बाद किसी की हेल्थ डाउन हो जाती है, किसी की हेल्थ बढ़ जाती है, क्या वजह भाई? जी वजह यह है, किसी को पानी वहाँ का सूट होता है, किसी को पानी सूट नहीं हो पाता। आपको सूट हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जाने से पहले आपका कितना वजन था? 50 किलो। हमारे हजारों भाइयों को जो बाहर गए हुए हैं पैसा कमाने के लिए, दूसरे मुल्क में गए हुए, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या है आपकी तरफ से उनके लिए दुआ, बोल? दुआ मेरी तरफ से है, जो बंदे गए हुए हैं अच्छी तरह काम करे, दिल लगा के काम करे, मेहनत करे और अपना बच्चा बच्चे को पालन पोषण। अच्छा, वहाँ जाकर आदमी डिप्रेस हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तो इस दुखी मन में वो कोई बुरी आदत तो नहीं अपना लेता? जी नहीं अपना लेता। तो आप ओवरऑल ये कहेंगे कि आप वहाँ जाकर बेहद खुश हैं? जी खुश तो नहीं है, पर हालत तो देखे हुए खुश होना पड़ता है भाई, अपने आप को संभालना पड़ता है।
पीछे बच्चा बच्चे है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, इसके खातिर जाना पड़ता है। चलो आपको आपको बहुत 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 मुबारकबाद। और अब मैं इनके पास में लेके आ रहा हूँ। ये हमारा साधु भाई जब बीमार हुए हैं, हाँ। जब हम लोग फॉरेन में थे, हमको बहुत दुख हुआ। कितना दुख हुआ, हमारी काया जानती है, हमने अल्लाह ताला से दुआ करी है, मस्जिद में जाकर दुआ करी है, हमारा साधु भाई को अच्छे करे, इंशाल्लाह खैर आएगी इंशाल्लाह। हमने बहुत दुआ की है, नमाज भी पढ़ी है, नमाज भी पढ़ी है, पांच टाइम नमाज पढ़ी, दुआ करी, और लोगो मेरे साथी है सबसे बोला भाई मेरा साडू भाई बीमार है, कुछ ज्यादा बीमार है। आज कैमरे के सामने आपके साडू स्वस्थ हो गए हैं, और उनकी साडू को बुलाना चाहता हूँ मैं दो मिनट के लिए। गुड्डू उनको हेलो, अगर यहाँ हो तो गुड्डू, आप गुड्डू है क्या, यहाँ पर बाहर गए? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा कैमरा चल रहा है, आप बुलाइए। कौन है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका और मैं वीडियो ले लूंगा, और आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। आज इस कैमरे के सामने आपके साडू भाई के लिए एक जोरदार दुआ कर दीजिए। हमारा साडू भाई के लिए दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं, अच्छी तरह तंदुरुस्त हो रहे हैं, उनकी तबीयत अल्लाह ताला उनका फायदा करे, इंशाल्लाह अपना काम संभाले, बच्चे बच्चे को संभाले, हमारा यही कहना है। मुबारक हो आपको, और आपका ये भाई आपको दोबारा मुबारकबाद देता है, और आपका ये भाई मोहम्मद रियाज मेलनर्स ग्रेट फर्स्ट उर्फ राजबाबू बूंदी अस्सलाम वालेकुम कहता है, नमस्ते कहता है, थैंक यू वेरी मच।